नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर केसा विजिलेंस द्वारा भोर सुबह जबरन घरों में घुसकर बिजली का छापा मारने पर जनता हुई नाराज, दिया संबंधित थाने को प्रार्थना पत्र की कार्यवाही की मांग। कानपुर मामला है थाना अनवरगंज अंतर्गत 78/208 का, जहां पर केसा विजिलेंस द्वारा भोर सुबह छापेमारी की गई। लोगों का आरोप है कि हमारी बहन बेटियां सो रही थी, जबरन घर का दरवाजा खुलवाकर विजिलेंस के लोग घर में घुस आए और चेकिंग करने लगे। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि पड़ोस के घर में घुसकर केसा विजिलेंस के लोग बिना दस्तक दिए हमारे घर में घुस आए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि सो रहे थे, उनके इस तरह से घर में घुसने से काफी डरे हुए हैं। इस तरह से जबरन सुबह लगभग 5 बजे घरों में घुसकर छापेमारी करने से लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके संबंध में थाना अनवरगंज में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। आपका क्या मामला है, क्या हुआ है? रात में वो क्या बोलते, ऊपर चढ़ते चले गए पुलिस वाले, उसके माने में डंडा फड़फड़ा रहे थे। बहू बेटे और 20-22 दिन की बेटी थी हमारी। काय के लिए चल गए थे घर में? बत्ती चक्कर में। फिर क्या हुआ? फिर वही डंडा जब फड़फड़ा रहे थे तो बच्चे सो रहे, सुबह जब उठे कान से कम सुनते हैं, जब बच्चे उठे तो बतलाने लगे मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और ना हमारे यहाँ भैया छोटे छोटे कमरे कहाँ से कटिया लगवाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, गरीब आदमी किस तरह से कैसे चल रहा घर बाबा, हम ही लोग जान रहे हैं। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की है क्या? अभी आप आए हैं पहली बार आए। कल रात की बात है, घर में सो रही है, जगाने का क्या राइट है इनका? पता नहीं किस तरह से बहू बेटी लोग सो रही है, कैसे क्या है कैसे। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never